वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। आज मैं आपको ब्लैक डियर और लांबा दिखाऊंगा वीडियो। कहीं से स्पिक ना करना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, आप देख के एंजॉय करेंगे। आज देखते हैं। देखो ये काफी सारे हिरन है जिसमें चिनकारा डियर है, इसमें रेड डियर है और ब्लैक डियर है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ब्लैक डियर लगा जिसकी वजह से इंडियन एक्टर सलमान खान को जेल की हवा भी खानी पड़ी। देखो ये ब्लैक डियर है और जो इनका रखवाली करते हैं हॉर्सिंग वालों ने, जो इनकी रखवाली करने के लिए रखा हुआ उन्होंने इन्हें दाना डाला। सारे किस तरह इकट्ठे होकर दाना खा रहे हैं, इनमें आके परिंदे भी दाना खा रहे हैं, जंगली कबूतर आके दाना खा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर बना हुआ है, जंगली कबूतर इस तरह दाना खा रहे जैसे इन दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती चल रही। ब्लैक डियर है ये बिलोंग कहाँ से करता है ये मैं आपको बताता हूँ। इंडिया से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट ने इसके शिकार खेलने पर पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि इसकी नस्ल खत्म हो सकती है। इंडिया में लोग इसे पूजते भी हैं। कोई हिरन है जिसकी वजह से इंडियन एक्टर सलमान खान को जेल की हवा भी खानी पड़ी और कई लोगों से इसे लाइफ थ्रेट भी मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी शोल्डर हाइट बताता हूँ। इसकी जो शोल्डर हाइट है वो 30 से 40 इंच की होती है। इसके वेट की बात करते हैं कि इसका वेट कितना होता है। इसके जो वेट फीमेल का होता है वो 40 किलो का होता है और जो इसके मेल का होता है वो 60 किलो का होता है। हम बात करते हैं कि ये कितने साल जिंदा रहती है। 10 से 15 साल जंगलों में जिंदा रहती है। अगर जू की बात करें तो जू में 15 से 20 साल जिंदा रहती है क्योंकि जू में केयर काफी की जाती है। इंडिया में ये कहाँ पर ज्यादा तादाद में पाया जाता है? हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में ज्यादा तादाद में पाया जाता है। अब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। 70 से 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ता है। झुंड की शक्ल में रहते हैं और अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं और जब इस पर कोई शिकारी इनका शिकार करने के लिए हमला करता है तो ये अपनी पतली टांगों की मदद से बहुत दूर और बहुत तेज भाग जाते हैं। डियर और रेड डियर कबूतरों के साथ एक फैमिली की तरह ही खाना खा रहे हैं। ये जैसे इनकी एक फैमिली हो ना, लड़ रहे हैं, सुकून से खाना खा रहे हैं और सुकून से रहते हैं। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। गर्मियों में जो इनका कलर होता है व्हाइट और ब्राउन हो जाता है और सर्दियों की बात करें सर्दियों में इनका कलर जो होता है वो व्हाइट और ब्लैक हो जाता है। अकबर बादशाह का जो पालतू हिरन था वो भी ब्लैक हिरन था। ब्लैक हिरन से अकबर बादशाह को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अकबर बादशाह का ब्लैक हिरन मरा तो उसकी याद में अकबर बादशाह ने शेखुपुरा के करीब एक हिरन मीनार खड़ा किया जो आज भी मौजूद है। के खाने की बात करते हैं, ये खाता क्या? ये पत्ते खाता है, दरख्त खाता है और दाने खाता है और इसकी जो फेवरेट खाने में चीज है वो ये झाड़ियाँ खाता है। ये पहाड़ों में और रेगिस्तानों में कसरत से पाया जाता है। इनके जो सींग होते हैं वो रोजाना 1.5 इंच बढ़ते हैं। बड़े ही नायाब और बड़े यूनिक होते हैं। काफी देर ये मेरे सामने खड़ा है, आप देखो ये उधर चले गए। दोस्तों हमारा अगला जानवर लैम्बा है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन ये बहुत डेंजरस भी होता है क्योंकि ये जब इसे अपना पता चले कि अब ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो उस चीज पे ये थूक फेंक दे। तो ये कैमल से बहुत मिलता जुलता है जैसे स्मॉल कैमल हो। साउथ अमेरिका से ये ताल्लुक रखता है और ये कोलम्बिया में भी पाया जाता है। इसके वजन की बात करते कि इसका वजन कितना होता है, 150 से लेकर 200 किलो तक इसका वजन होता है। हवा में खुराक की बात करते कि ये खाता के ये झाड़ियाँ पत्ते और शाखे खाता है। दोस्तों ये ठंडे इलाकों में पहाड़ों पे पाया जाता है। 50 इंच का होता है शोल्डर तक। माँ में ये अपना एक बेबी पैदा करता है। की ऊन बहुत नरम होती है जो कपड़े बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जब भी आप लाहौर में तो इसको जरूर देखिए, बहुत खूबसूरत होता है लेकिन इसके पास ना जाना, ये तुक भी बहुत खूबसूरत फेंकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल हम सके बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।